सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। इसका मतलब भी स्पोर्ट्स या बोलता है फुटबॉल से सर ट्रॉफी दैट वाज रिमूव्स। तो इस तरह आज की वीडियो पे ना किस देरी के सब पर बात करते हैं यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में। एंड यूएफए चैंपियंस लीग का वीक चल रहा है तो डेफिनेटली यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में बात करना बनता है। एंड अगर कल का बात करें तो कल भी यूएफए चैंपियंस लीग में काफी अच्छे अच्छे मैचेस था। बड़ा कल सबसे बड़ा शॉक था कि शरीफ जो कि अपना फर्स्ट विन यूएफए चैंपियंस लीग में उन्होंने दर्ज किया है, उन्होंने रियल मद्रिद को हरा दिया कल 2-1 से। काफी अच्छा गेम, काफी कॉम्पैक्ट गेम शरीफ ने खेला था कल। एंड ऐसा नहीं कि रियल मद्रिद को मौका नहीं मिला, उनको भी काफी अच्छे अच्छे चांसेस मिला था बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए प्रॉपरली। एंड स्कोर लाइन फाइनली था 2-1, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनके लिए। एंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लिवरपूल ने एफसी पोर्टो को 5-1 से, मतलब कंप्लीट डोमिनेशन। लिवरपूल का गेम देखने में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और अगर जिनको गोल्स ज्यादा देखने में अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो गेम आप देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग गेम था एंड एक काफी अटैकिंग फुटबॉल खेला है कल लिवरपूल ने। एंड पोर्टो ने भी एक ओपन फुटबॉल खेला ही है क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम लोग कंप्लीटली डिफेंसिव शेल में घुस जाएंगे तो लिवरपूल को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि अटैक इतना ज्यादा वर्सेटाइल होता है लिवरपूल का, इतना ज्यादा ओवर द टॉप अटैक होता है कि काफी मुश्किल लोगों का सामना करना पड़ेगा डिफेंडर्स को, किसी भी टीम के डिफेंडर्स को। एंड कल भी वही हुआ था एंड स्कोर लाइन था 5-1। दूसरी तरफ क्लब ब्रुग ने हरा दिया रेडबुल लिप्जिक को 2-1 से, बहुत ही अच्छा गेम उनके लिए। एंड अभी तक उनका यूएफए चैंपियंस लीग का जर्नी काफी अच्छा चल रहा है, पहला ड्रॉ उसके बाद विन उन्होंने दर्ज कर लिया। नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में, एंड मेरे हिसाब से क्लब ब्रुग एक ऐसा क्लब है जो कि बहुत बड़ा अपसेट हम लोग को दे सकते हैं यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस में क्योंकि उनका ग्रुप सबसे ज्यादा हार्ड था एंड उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा किस टीम भी क्लब ब्रुगी खुद ही है। सो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगा देखना। एंड अब बात करते कल के दो सबसे बड़े मैचेस के बारे में। तो पहला जो मैच हुआ पीएसजी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, एंड ये मैच पीएसजी ने 2-0 से जीत लिया। बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम पीएसजी के तरफ से एंड पीएसजी ने अपना फोकस काउंटर अटैक्स में ज्यादा किया था। मेसी ने अपना पहला गोल किया पीएसजी का, ओके, एंड एक वर्ल्ड क्लास परफेक्ट, मतलब क्लास फिनिश जिसे हम लोग कहते हैं एंड जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेसी से, वैसा एक फिनिश हम लोग को देखने को मिला। सिटी को भी कुछ अच्छे अच्छे चांसेस मिले थे, कुछ अच्छे अच्छे सेव्स किया है डोनारुमा ने बट ओवरऑल पीएसजी का डिफेंस भी कल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड नो डाउट मेसी नेमार एंड एम्बापे का ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। एंड कल वही एक बहुत बड़ा एडवांटेज था पीएसजी के पास कि उनके पास अटैक में अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। बड़ा सिटी को थोड़ा सा और मेरे हिसाब से अटैक में ध्यान देना चाहिए था बट सैडली वो नहीं हुआ। मिडफील्ड अपना काम अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि मिडफील्डर्स अच्छा काम नहीं किया है। डिब्रोइनर कल के मैच में खेल रहे थे एंड उन्होंने भी कुछ चांसेस क्रिएट किया था बट बॉल फिनिश नहीं हो रहा था जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड एज बिकॉज अभी तक सिटी के पास एगेरो का रिप्लेसमेंट नहीं, एगेरो का एज हो चुका है मैं मानता हूं बट स्टिल ही इज अ गुड फिनिशर नो डाउट। तो उनका रिप्लेसमेंट अभी तक सिटी के पास नहीं है जो कि बहुत बड़ा इशू है। एंड सिटी का ये सीजन अभी तक बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल स्टार्ट नहीं हुआ है। सो पीएसजी के अगेंस्ट में हार डेफिनेटली यूएफए चैंपियंस लीग के इस जर्नी के लिए थोड़ा सा इफेक्ट तो करेगा बट अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। सर बात करते कल के दूसरे बड़े मैच के बारे में। तो कल का जो दूसरा बड़ा मैच था वो था एसी मिलान वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग मैच दोनों टीम के लिए। एंड एसी मिलान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उनको जीतना था यह मैच बट सैडली एथलेटिको मैड्रिड ने यह मैच 2-1 से जीत लिया। बहुत ही अच्छा गेम एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से एंड एथलेटिको मैड्रिड का, ओके, ग्रिज़मन एंड सुआरेज़ ने गोल किया, सुआरेज़ ने पेनल्टी में गोल किया जो कि 50-50 था, रेफरी का कॉल था एंड रेफरी ने पेनल्टी दिया। और एसी मिलान को वैसे से रेड कार्ड मिला था 30 मिनट्स के अंदर जो कि मेरे हिसाब से था दो येलो कार्ड उसके बाद रेड कार्ड जो कि डेफिनेटली रेड कार्ड था और उसी के चलते रेबिच को येलो कार्ड भी मिला क्योंकि उन्होंने रेफरी को ऐसे धक्का थोड़ा सा धक्का दिया था एंड खींचा था बेसिकली, तो वो भी येलो कार्ड था एज पर फीफा रूल। सो रेफरिंग कल के हर एक मैच में अच्छा ही हुआ जितना मैंने देखा है। सो नो डाउट एथलेटिको मैड्रिड ये मैच जीतना डिजर्व करते बट एसी मिलान अगर ये ड्रॉ भी होता तो चलता। बट नेक्स्ट मैचेस में एसी मिलान को काफी अच्छा गेम खेलना पड़ेगा अगर उनको नॉकआउट्स में क्वालिफाई करना है एंड देखते कि नेक्स्ट मैचेस में इनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। सर बात करते आज के मैच के बारे में, तो आज एक्चुअली दो बहुत ही बड़े बड़े मैचेस हैं। एंड अगर पहला मैच का बात करें तो वह मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस विलारियल। तो जिनको नहीं पता, विलारियल ने ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था यूरोपा लीग फाइनल में एंड वो भी एक बहुत ही कमाल का फाइनल हुआ था। एंड ये मैच यूनाइटेड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने यंग बॉयज के अगेंस्ट में हारा है अपना पहला मैच 2-1 से जो कि इस ग्रुप का सबसे ज्यादा वीकेस्ट टीम था। सो विलारियल को उनको हराना ही पड़ेगा। वैसे टेक्निकली देखें तो यूनाइटेड का जो ग्रुप है वो काफी इजी है बट फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग एंड फर्स्ट मैच हुआ है तो सेकंड मैच में कमबैक कर सकते हैं। लास्ट मैच उन्होंने
प्रीमियर लीग में भी हारा है, सो उनको एक कमबैक का काफी ज्यादा जरूरत है। एंड इस मैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको देखना है कि क्या अटैक वर्सेटाइल अटैक होता है या फिर सिर्फ रोनाल्डो सेंट्रिक अटैक होता है, जो कि रिसेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो रहा है कि सिर्फ रोनाल्डो को बॉल बनाना है, वही गोल करेगा, वही हर चीज करेगा, जो कि बहुत बड़ा इशू है किसी भी टीम के लिए। क्योंकि मैं मानता हूं रोनाल्डो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, शायद रिटायरमेंट के बाद ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर्स के लिस्ट में भी आ जाए, नो डाउट, और बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा स्किल है, बट जब पूरा अटैक एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा तो डिफेंस का जो काम है वो आधा से ज्यादा काम तो यूनाइटेड खुद ही कर देते हैं अपोनेंट के डिफेंस का, क्योंकि एक ही प्लेयर को मार्किंग का टारगेट रखना पड़ रहा है प्लेयर्स को, और किसी को टारगेट रखना ही नहीं पड़ रहा है ज्यादा टाइम पे, क्योंकि हर बॉल कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट में रोनाल्डो के पास आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा इशू है। एंड ऐसे स्टेजेस में अगर उस लेवल का फुटबॉल होता है जहां पे एक प्लेयर को सेंटर कर दिया जाए तो काफी मुश्किल होता है उस प्लेयर के लिए भी, सो ये चीज चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूनाइटेड के लिए। एंड देखते हैं कि मैच कौन जीतता है। चलो बात करते हैं आज के दूसरे मैच के बारे में, तो आज का जो दूसरा मैच है वो तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल मैच है, जुवेंटस वर्सेस चेल्सी। तो चेल्सी का रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, दूसरी तरफ जुवेंटस का भी रिसेंट लास्ट दो मैचेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, उन्होंने दो ही मैचेस जीता है और सीरी ए में अभी तक तो उन्होंने अच्छा ही खेला है। फर्स्ट मैच उनका यूएफए चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, सो डेफिनेटली वो लोग उस विन को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। एंड ये मैच नो डाउट बहुत बड़ा मैच होने वाला है, एंड जब इतना बड़ा मैच है तो माइल में सर्कल में टीम बनाना तो बनता है, तो आप भी टीम बना एंड मैं भी टीम बना लेता हूं। तो गोलकीपर मैंने चूज किया एडवर्ड मेंडी को, क्योंकि नो डाउट बहुत टैलेंटेड गोलकीपर है एंड इस मैच में अवेलेबल है। डिफेंडर्स मैंने चूज किया एस्पिलिक्वेटा, क्रिश्चियनसन, बनुची एंड अलेक्जेंड्रो को, आप चाहो तो डिलीट को चूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये चार डिफेंडर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस डिफेंडर है, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है और इनका रोल भी आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिडफील्डर्स मैंने चूज किया जॉर्जिनो, कोवाकिच, फेडरिको चिएसा एंड लोकतेली को, एंड जॉर्जिनो को आप चूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, मैंने किया है क्योंकि मुझे लगता है कि जॉर्जिनो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वैसे भी चेल्सी का जो मिडफील्ड है उसमें जॉर्जिनो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज खेलेंगे यानी थोड़ा सा डाउटफुल है, बट जितना मैंने पता किया कि इस मैच में जॉर्जिनो खेलने वाले, एंड मेरे हिसाब से ये मिडफील्ड काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टेडी मिडफील्ड होगा। एंड फॉरवर्ड में मैंने चूज किया रोमिलो लुकाकू एंड जुआन क्वाड्राडो को, क्योंकि जुवेंटस की तरफ से भी फॉरवर्ड प्लेयर होना चाहिए, सो क्वाड्राडो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे आज के मैच में, क्योंकि अल्वारो मोराटा का खेलने का चांस काफी कम है, इंजर्ड है थोड़ा सा, एंड इस मैच में कौनते नहीं खेल रहे क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, सो डेफिनेटली रोमिलो लुकाकू एंड जुआन क्वाड्राडो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड कैप्टन मैंने रोमिलो लुकाकू को बनाया क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है एंड हम लोग उम्मीद कर ही सकते कि वो एक दो गोल करेंगे। एंड वाइस कैप्टन मैंने फेडरिको चिएसा को बनाया क्योंकि फेडरिको चिएसा इज अ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वर्सेटाइल मिडफील्डर, एंड ये मेरा माइल इलेवन सर्कल का टीम। एंड अगर अभी तक आपने माइल इलेवन सर्कल डाउनलोड नहीं किया तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना, मैंने भी माइल इलेवन सर्कल खेल के पैसा जीता है, बहुत ही इजीली आप वैसे टीम बना के या तो मेरे वीडियोस को देख के टीम बना के पैसे जीत सकते हो। एंड इसी के साथ साथ यहाँ आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है अपने पहले डिपॉजिट में, अगर आप डिस्क्रिप्शन में पिंट कर में दिए हुए लिंक से माय लेवल सर्कल को डाउनलोड करते हो। एंड आपको यहाँ पे 1500 का बोनस भी मिलता है अपने पहले डिपॉजिट में, तो किस बात को वेट करो, डेफिनेटली माय लेवल सर्कल को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में पिंट कर इसका लिंक मिल जाएगा एंड डाउनलोड कीजिए माय लेवल सर्कल। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। चलो बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं डूरेंट कप के बारे में। तो पहले तो सॉरी कि मैंने कल बोला था कि एफसी गोवा का मैच है, एक्चुअली मैच आज है, तो मैंने गलती से कल बोल दिया था एंड कल कवर कर लिया था, तो उसके लिए सॉरी, बट फिर भी एक बार मैच के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो ये मैच सोनी 10-2 एंड सोनी लिव में टेलीकास्ट किया जाएगा, आप सोनी लिव में देख सकते हो, जियो टीवी में देख सकते हो और अड्डा टाइम्स ऐप में भी देख सकते हो, जिसका चांस कम है, बट आप अगर सब्सक्रिप्शन आपने लेके रखा है तो आप देख सकते हो, वरना अगर आप टीवी में देखना चाहते हो तो सोनी 10-2 में इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। एंड आज का दिन पूरा फुटबॉल से भरा होगा, मतलब शाम से बस बैठ जाए और उसके बाद फुटबॉल के मैचेस लगातार आते रहेंगे, और नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीम के लिए क्योंकि सेमीफाइनल इंडोरेंट कप का। एंड एफसी गोवा ने तो वैसे ही बोल के रखा है कि वो लोग इस बार हर एक टूर्नामेंट टारगेट करेंगे जीतने के लिए, एंड एफसी गोवा का जैसा रिसेंट परफॉर्मेंस है, जो डोमिनेशन के साथ वो लोग खेल रहे हैं, उनको जीतना भी चाहिए। एंड बेंगलुरु एफसी के यंग प्लेयर्स ने भी बहुत एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया कि हम लोग भी अच्छे प्लेयर्स से अच्छे टीम है, हम लोग भी किसी भी टीम को किसी भी दिन किसी भी जगह में हरा सकते हैं। सो मैच काफी टक्कर का होने वाला है एंड डेफिनेटली लियोन अगस्टिन का रोल इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विद्यासागर सिंह को इस मैच की शुरुआत से खिलाना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सेक्शन नंबर उड़ीसा एफसी की तरफ से, तो उड़ीसा एफसी ने अपना ऑफिशियल पार्टनर अनाउंस कर दिया है एंड उड़ीसा एफसी का ऑफिशियल पार्टनर है
इंडिया बिजनेस ग्रुप। तो इंडिया बिजनेस ग्रुप बेसिकली एक यूके का ग्रुप है एंड नो डाउट बहुत ही अच्छा डील है उड़ीसा एफसी के लिए। एंड यू नो एक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होता है एंड देखते कि नेक्स्ट सीजन आईएसएल में उड़ीसा एफसी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। सुरक्षित खबर ईस्ट बंगाल की तरफ से, तो ईस्ट बंगाल ने अपना टीम मैनेजर अनाउंस कर दिया। अब इसको लेके बहुत कंफ्यूजन था कि क्या ईस्ट बंगाल का जो नया टीम मैनेजर है जिनका नाम है मृदुल बैनर्जी, क्या वो ईस्ट बंगाल के असिस्टेंट कोच है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली सेकंड असिस्टेंट कोच है एंड असिस्टेंट कोच रणदीप सिंह ही है इस बार। सो मेरे हिसाब से उनका असिस्टेंट कोच कर लेना चाहिए था क्योंकि नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस्ड कोच है। इन्होंने मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, आईपीएल 11 इन सबको मैनेज किया, मोहम्मदन को भी मैनेज किया, तो एक्सपीरियंस बहुत इनके पास, बहुत ही ज्यादा एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन कोच ईस्ट बंगाल के पास है। एंड मेरे हिसाब से इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ईस्ट बंगाल में क्योंकि ऐसे कोचेस आपको इजीली मिलता नहीं है। एंड मेरे हिसाब से लास्ट सीजन जो बहुत बड़ा गलती ईस्ट बंगाल ने किया था कि पूरा चीज रणदीप सिंह के हाथ में छोड़ दिया था एंड रणदीप सिंह ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था। सो मेरे हिसाब से इस बार वो चीज थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा एंड देखते कि ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस इस सीजन आईएसएल में कैसा रहता है। सिलेक्शन इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल बजे टॉटनम, तो टॉटनम दिल्ली अली को बेचना चाहते हैं। तो बेसिकली इस बार का जो समर ट्रांसफर विंडो था उसमें ही टॉटनम दिल्ली अली को बेचने का पूरा कोशिश कर रहे थे एंड पीएसजी के साथ बात भी चल रहा था बट सैडली वो डील कंप्लीट नहीं हो पाया। बट अभी भी टॉटनम ट्राई कर रहे कि नेक्स्ट जो ट्रांसफर विंडो आने वाला है उसमें दिल्ली अली को वो लोग बेच दे एंड थोड़ा सा जो प्लेयर का इतना जो लोड है उसको थोड़ा सा क्लियर करे एंड नए प्लेयर्स के लिए जगह बनाया जाए एंड देखते कि क्या दिल्ली अली फाइनली टॉटनम छोड़कर कोई दूसरे क्लब में जाते नहीं। सुरक्षित खबर बायर्न म्यूनिख एंड चेल्सी की तरफ से, तो ये र्यूमर काफी ज्यादा चल रहा था रिसेंटली बट फाइनली ये र्यूमर क्लियर हो चुका है। तो र्यूमर ये था कि लेरॉय साने एंड क्रिश्चियन पुलिसिच का एक स्वैप डील होने वाला है बहुत ही जल्द, मतलब नेक्स्ट विंटर ट्रांसफर विंडो में। बट करेंटली दोनों ही टीम इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं मानता हूं शायद पुलिसिच को उतना मौका नहीं मिल रहा है चेल्सी में बट लेरॉय साने बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड ये स्वैप डील इतना इजीली होगा नहीं। सो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही क्लब ने बोल दिया कि हम लोग तो इसके बारे में करेंटली कुछ भी नहीं सोच रहे, बस ये नॉर्मल र्यूमर है एंड क्लब्स के तरफ से तो ये क्लियर हो चुका है एंड देखते कि क्या ये स्वैप डील फाइनली होता है नहीं। सर बात करेंगे दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल में कल दो मैचेस था एंड अगर हम लोग पहला मैच का बात करें जो था केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, एक बहुत ही अच्छा मैच केकेआर के लिए एंड केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है एंड बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस केकेआर की तरफ से बड़ा। कुछ कैप्टनसी में गलत डिसीजन लिया गया है केकेआर की तरफ से, जैसे कि मुझे पर्सनली लगा कि संदीप वॉरियर को खिलाने का क्या मतलब है अगर उनको दो ही ओवर सिर्फ बॉलिंग करवाना है एंड ऊपर से तो मॉर्गन खुद क्यों अपने आप को खिला रहे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ना परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर इंस्ट्रक्शंस भी पीछे से ही आ रहे तो कैप्टन का जरूरत ही क्या है, अगर क्योंकि मॉर्गन को अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ एज अ कैप्टन ही टीम में लिया जा रहा है क्योंकि उनका रोल बहुत अच्छा है नहीं, ना ही वो बैटिंग कर पा रहे एंड बॉलिंग तो वो वैसे भी करते नहीं है कभी, तो उसका भी कोई सेंस बनता नहीं है। तो उनका टीम में रोल क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मैनेजमेंट पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रहे कि क्या करना है एंड मॉर्गन उस चीज को फॉलो करे तो फॉलो तो कोई भी कर सकता है। एंड हम दिनेश कार्तिक को तो कैप्टन नहीं बनाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूंगा कि दिनेश कार्तिक को आप कैप्टन बना लो, बट हाँ आप दिल्ली कैपिटल्स की तरह एक बोल्ड डिसीजन ले सकते हो जैसे दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कैप्टन बना के किया है, आप शुभमन गिल को कर सकते हो, ट्राई दे सकते हो क्योंकि ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस तो बाहर से आने वाले हैं। एंड मैच की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को कि बॉलर्स ने काफी अच्छा बॉलिंग किया, आवेश खान ने काफी अच्छा बॉलिंग किया है एंड क्या कहो कि बैटिंग में सुनील नारीन ने एक छोटा सा इनिंग्स खेला है बट बहुत इंपैक्टफुल था एंड दूसरी तरफ नीतीश राणा ने भी काफी अच्छा बैटिंग किया, शुभमन गिल ने भी अच्छा ही खेला है ओवरऑल एंड ओवरऑल नो डाउट केकेआर ये मैच जितना डिजर्व करते हैं एंड देखते कि नेक्स्ट मैचेस में केकेआर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। चलो बात करते कल के दूसरे मैच के बारे में, तो क्या जो दूसरा मैच था वो था मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स एंड ये मैच मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। फाइनली मुंबई इंडियंस को एक विन मिला है एंड उनके लिए विन बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा पंजाब किंग्स के लिए भी विन बहुत इंपॉर्टेंट था बट सैडली उनका जो टारगेट था वो बहुत ज्यादा कम था एंड पिच इतना भी खराब नहीं था कि 136 रन चेज ना हो पाए। सो हार्दिक पांड्या ने कल अपना कमबैक किया, फाइनली हार्दिक पांड्या को हम लोग फिर से फॉर्म में देख पा रहे बट मुंबई कभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर्स के साथ, मिडिल ऑर्डर्स के किसी भी बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो ईशान किशन हो किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट ओपनर्स ने फिर भी अच्छा खेला है बट मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है एंड पंजाब किंग्स का होके भी मतलब सबने थोड़ा सा रन बनाया, बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं था एंड रवि बिश्नोई ने अच्छा बॉलिंग किया है। और पंजाब किंग्स का होके बेसिकली वही सेम क्वेश्चन उठता है
कि निकोलस पुरन को खिलाने का क्या ही सेंस बनता है, क्योंकि निकोलस पुरन फील्डिंग अच्छा करते हैं नो डाउट, बट एक प्लेयर को अगर सिर्फ फील्डिंग के लिए रखा जाए तो ये काफी, मतलब अभी का जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड हो चुका है ये सेंस बनाता नहीं है। एंड पंजाब किंग्स को नेक्स्ट अपने सारे मैचेस जीतना पड़ेगा एंड देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में इन दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। चलो बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज का जो मैच हुआ है आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को ये मैच जीतना ही पड़ेगा अगर उनको कंपटीशन में रहना है, एंड आरसीबी को ये मैच जीतना पड़ेगा ताकि यू नो वो भी टॉप फोर में अपना जगह बनाए रख सके, क्योंकि लग तो वैसा है कि आरसीबी टॉप फोर में डेफिनेटली रहेंगे एंड वो नॉकआउट में क्वालिफाई भी कर जाएंगे बहुत ही इजीली, क्योंकि कंपटीशन अभी चार टीम्स के बीच में हो चुका है, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर एंड मुंबई इंडियंस, एंड करेंटली केकेआर इस रेस में सबसे आगे, एंड देखते हैं मैच कौन जीतता है। सो बस गाइस आज इतना ही, एंड डेफिनेटली माय 11 सर्कल को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स का लिंक मिल जाएगा एंड डाउनलोड कीजिए माय 11 सर्कल। सो बस गाइस आज इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जाना चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए, फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सत्ता को इस वीडियो में तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।